नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा बलिहार। लगातार 15 दिन से चल रहे अनशन में बैठे पत्रकारों ने 16वें दिन जिला प्रशासन का पुतला फूंका और मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं पत्रकारों ने जिला प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश व्यक्त किया है। आपको बताते चलें, पूरा मामला विगत 25 सितंबर को ग्रामीणों की सूचना पर अवैध खनन के ओवरलोड वाहनों से गांव में लग रहे जाम की खबर कवर करने गए 7 पत्रकारों को फर्जी तरीके से नारायणी सीओ और खनन माफियाओं की मिलीभगत से बिना जांच किए रंगदारी जैसे मामले में जेल भेज दिया गया। जब इसकी सूचना जिले के विभिन्न पत्रकारों को हुई तो उन्होंने आनन फानन में मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन से बात करना चाही, लेकिन उन्हें वहां भी असफलता हाथ लगी। वही जब अगले दिन उन्होंने जिला अधिकारी बांदा अनुराग पटेल से प्रार्थना पत्र के माध्यम से मिलना चाहा, तो वहां भी प्रशासन ने उनकी एक न सुनी, जिससे आक्रोशित होकर पत्रकार क्रमिक अनशन पर बैठ गए। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन ने उनका संज्ञान न लिया और न ही जिला प्रशासन का कोई अधिकारी उनकी आवाज सुनने आया, जिससे आहत होकर संविधान का 4th स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों ने जिला प्रशासन का पुतला फूंका और भारी आक्रोश व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। तभी मौके पर मौजूद पुलिस ने पत्रकारों के हाथ से पुतला छीनने की कोशिश की, जिससे काफी नोकझोंक हुई और जबरदस्ती पुलिस प्रशासन ने पत्रकारों के हाथ से पुतला छीन लिया। अब देखने लायक है इसके बाद क्या उत्तर प्रदेश सरकार, जो हमेशा पत्रकारों के हितों की बात करती है, क्या यहाँ अनशन पर बैठे पत्रकारों की आवाज सुनेगी या वो बातें ही बातें रह जाएंगी और यूं ही संविधान के 4th स्तंभ की आवाज दबाई जाएगी। जीवन 24 के लिए बांदा से शुभम सिंह की रिपोर्ट। हमारे 7 साथी पत्रकारों को जेल भेज दिया गया था बिना किसी कारण के, पूरी तरह से असत्य व असंवैधानिक तरीके से भेज दिया गया था, जो पूरी तरह से निर्दोष हैं। हम न्यायिक जांच की मांग करने के लिए यहाँ धरने पर बैठे, ज्ञापन देने गए थे, डीएम साहब ने ज्ञापन नहीं लिया और तानाशाही रवैया रहा, अभी तक उसी डीएम को धरने पर बैठना पड़ा। आज हमने पुतला फूंका सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कम से कम प्रशासन इस बात को संज्ञान ले और जागे। तो खुली लूट है ना, बालू, और चूँकि यहाँ का मुख्य नंबर 2 की कमाई का साधन है, अवैध तरीके से ओवरलोडिंग होती है, मध्य प्रदेश से आते हैं वाहन और वही रास्ता है मुख्य क्षेत्राधिकारी के, उसी में दोनों थाने आते हैं जहाँ से ओवरलोडिंग के ट्रक आ रहे हैं, उसी को लोड रोक पाने में पूरी तरह से असमर्थ है नितिन कुमार सारंग। हम 16 दिन, आज 16 दिन हो गए लगातार अशोक लाट स्थल पर लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। अभी तक प्रशासन का छोटा सा भी कोई अधिकारी ये जानकारी करने नहीं आया कि आखिर आप बैठे क्यों, जबकि हमारी बहुत बड़ी मांगे नहीं हैं, ना हमने कुछ ऐसा प्रशासन से मांग लिया है जिससे प्रशासन खौफ में है और हमारी बातें नहीं मान रहा। हम महज सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वो जो पत्रकार थे, असली थे, नकली थे, फर्जी थे, वो आके हमें शासन यहाँ लिखित में दे और FIR कराई गई है तो क्यों कराई गई है, ये सारी जानकारी हमको लिखित में दें। और इतना करने में 16 दिन हो गया, अभी तक यहाँ नहीं आया। इसी संदर्भ में आज 16वें दिन पुतला जलाया गया है। हमारे महिला विंग ने बड़ी वीरता के साथ पुतला को चलाया है और प्रशासन मौके में मौजूद था, पर इसके बाद भी वो पुतले को बचा नहीं सके, पुतला जल गया।